कटनी जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मिथिलेश जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष, गुमान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों, व्यापारियों, उद्योगपतियों द्वारा विद्युत बिल माफ करने हेतु मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण यंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि विगत 8 सप्ताह से कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सरकारी आदेश से संपूर्ण सूक्ष्म और लघु उद्योग कारखाने व्यापार बंद है। मजदूर व मध्यम वर्गीय लोग भी अपनी आमदनी नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों के समस्त 2 माह के बिलों को माफ किया जाए तथा सूक्ष्म व लघु उद्योगों के विद्युत कनेक्शन पर लिया जाने वाला फिक्स चार्ज भी समाप्त किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय माधव नगर उद्योग संघ के अध्यक्ष झमट मल थारवानी, जिला उद्योग संगठन के प्रतिनिधि रौनक खंडेलवाल, कांग्रेस अध्यक्ष पंकज गौतम, जिला शहर कांग्रेस महामंत्री गिरीश गर्ग व अन्य कांग्रेसी व व्यापारी उपस्थित थे। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। और इसके माध्यम से हमारी ये मांग है, 2 मांगे हैं प्रमुख रूप से, 3 मार्च के 2 सप्ताह अंतिम। जिले में बहुतायत से व्यापारी लोग हैं जिनको फिक्स चार्ज लगता है, उस फिक्स चार्ज को भी टोटली समाप्त किया जाए क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं हुआ और ये सारा का सारा राज शासन के आदेश से हुआ। कोई व्यापारी ने अपना या उद्योगपति ने अपना कल कारखाना अपने मन से बंद नहीं किया, शासन के आदेश से बंद किया। तो विद्युत प्रदाय संहिता 2003 की कंडिका 11(2) में भी ये व्यवस्था है कि विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में, जस्ट लाइक कोरोना महामारी, ये विशेष आकस्मिक एक परिस्थिति हुई, तो राष्ट्रीय आपदा है, वैश्विक आपदा है, तो इसको देखते हुए विद्युत प्रदाय संहिता के अंतर्गत भी विद्युत मंडल को ये अधिकार है कि ये उपभोक्ता शुल्क और फिक्स चार्ज को समाप्त कर सकता है। तो ये आज हम लोगों ने मांग की है। हम लोगों ने मांग की है कि मार्च के अंतिम 2 सप्ताह है, फरवरी के 4 सप्ताह है और ये मई के 2 सप्ताह है। ये कोरोना पीरियड जो लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन है, शासन के आदेश से हुआ, तो ये इन 8 सप्ताह यानी कि 2 माह का ये छूट दी जानी चाहिए। हमने इनसे मांग की है कि आप जल्द जल्द करें और अधीक्षण यंत्री को हमने प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि आप इसको MD साहब को भेजो, शासन को भेजो, और उन्होंने ये कहा कि हम इसको अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे कि यह होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे आने वाले समय में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी इसकी। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर बिल जमा नहीं होगा तो बिजली हम नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, बिना किसी नियम के, कानून के, गुंडागर्दी का एक टैक्स वसूल रही है बिजली विभाग के द्वारा। एक तरफ से लॉकडाउन है, दूसरी तरफ से जब लॉकडाउन पूरी दुकानें बंद हैं, पूरी तरह से बंद हैं, तो उसके बाद बिल कहाँ से आ रहा है, और बिल अनाप शनाप आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। पिछले 1 साल की रिकवरी से वो ले रहे हैं, अभी जो इस माह में उनने बिल दिया है, वो उनका कहना ये है अधिकारियों का कि पिछले 1 वर्ष पहले जब भाजपा की सरकार थी तो जो बिल आते थे उन बिलों को हमने एवरेज लिया है। हम लोगों का तर्क ये है कि अभी पिछले समय 1.25 साल कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी के समय पर जो बिल आते रहे 100-125 रुपये लोगों के, यदि उसके आधार पर एवरेज बिल लेते तो इतना ज़्यादा बिल नहीं आता। ये भाजपा की सरकार पूरी कोरोना की वसूली MPB विभाग के माध्यम से जनता जनार्दन से, दुकानदारों से, उद्योगपतियों से करना चाहती है। उस बात से क्षुब्ध होकर के हम दोनों लोगों ने जिला, शहर और ग्रामीण की तरफ से, ग्रामीण के लोगों, शहर के लोगों की तरफ से विद्युत विभाग को ये आज वो दिया है, ज्ञापन दिया है कि यदि इसमें तत्काल सुधार नहीं किया जाता तो कांग्रेस मजबूर होकर के रोड में आकर के और संघर्ष करेगी। दूसरा ये कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जाएगी, किसी प्रकार का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि ये होगा तो प्रदेश व्यापी, जिला व्यापी हम लोग आंदोलन करेंगे जिससे जनता को सुख सुविधाएं पूरी मिल सके, ये कांग्रेस की सोच। टूट चुकी है, ना लेबर थे ना उसके ऑपरेटर थे, इसलिए 2 माह पूरे उद्योग बंद रहे और 2 माह बिल आए हैं जो फिक्स चार्ज हैं, और बल्कि और रीडिंग भी जोड़ी गई है। जब प्लांट चलाई नहीं, उद्योग चलाई नहीं, तो ये बिल कहाँ से आ रहे हैं।
हालत खराब हो चुकी है उद्योगों की कमर टूट चुकी है। यह सरकार उद्योग विरोधी है और उद्योगों को तोड़ना चाहती है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के दोनों अध्यक्ष दिव्य ने इस बात को रखा है। व्यापारियों की तरफ से मैं दोनों अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं और किसी का कनेक्शन न कटे यह बात भी हमारे अध्यक्ष जी ने कही है। दोनों अध्यक्षों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं ताकि उद्योग आगे बढ़ चुके।